नमस्कार, दलिता हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। सोनम ने की घर वापसी, प्रेमी विष्णु संघ की हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी। देवरनिया में गांव गिरधरपुर निवासी सोनम सिद्दीकी ने हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली है और लक्ष्मी बन गई। फिर उन्होंने मंदिर में प्रेमी विष्णु मौर्या के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया। विष्णु गांव में ही कीटनाशक की दवा चलाते हैं। 12 साल पहले उनकी मुलाकात सोनम से हुई थी, फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। बालिग होने पर सोनम ने शादी की इच्छा जताई तो दोनों ने रविवार को मंदिर में विवाह कर लिया। मौलाना तौकीर ने दिल्ली में बनाया नया गठबंधन। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने छोटे छोटे दलों को जोड़कर नया गठबंधन खड़ा कर लिया है। इसका ऐलान दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने इंडिया गठबंधन बनने के बाद बिखर जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि जो काम हम देश में बने इंडिया गठबंधन से लेना चाहते थे वो हम अब अपने बूते करेंगे। दबे कुचले दलित शोषित ओबीसी अल्पसंख्यकों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी। तमाम सेकुलर लोगों को भी गठबंधन में आने की दावत दी। मौलाना ने इस मौके पर चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर भी आवाज उठाई। बहरहाल नया गठबंधन बन गया है लेकिन उसका नाम अभी सामने नहीं आ सका है। आम आदमी के प्रदर्शन के दौरान बिगड़ी बुजुर्ग की हालत। आवारा पशुओं के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने रविवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करा। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल एक बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। आप कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए सभी आवारा पशु पकड़वाए जाने की मांग उठाई। कार्रवाई न होने पर अगली 6 तारीख को आंदोलन की चेतावनी दी है। नेपाल से गांजा लेकर पहुंचे 8 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। इज्जतनगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गैंग के सरगना समेत 8 सदस्यों को पीलीभीत रोड स्थित सिलबट्टा रेस्टोरेंट के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 35 किलो 370 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में तस्करों ने अपनी पहचान फैजाबाद निवासी मनीष, बाराबंकी निवासी लालू यादव रितेश, अयोध्या निवासी रोहित और शाहजहांपुर निवासी सूरजपाल, रामनिवास, गोविंद और अंकित के रूप में बताई। पुलिस ने हर हालात से निपटने के लिए की मॉकड्रिल। एसएसपी गुले सुशील चंद्रवाहन के नेतृत्व में रविवार दोपहर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस को दंगा और बलवा निरोधक उपकरणों का प्रशिक्षण और अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस बल को किसी भी तरह के हालात में उपद्रवियों से निपटने के तरीके सिखाए गए। मॉकड्रिल के दौरान एक तरफ सिविल ड्रेस में टीम को उपद्रवी बनाकर मैदान में उतारा गया तो दूसरी तरफ पुलिस टीम को। इस दौरान पुलिस टीम ने शानदार तरीके से आंसू गैस के गोले दागकर और हल्का बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को मैदान से खदेड़ दिया। डीएसपी बनकर महिला से मांगे 7,000, पुलिस से शिकायत। हारून नगला निवासी महिला ने बीती 22 तारीख को सुभाष नगर निवासी प्रवीण शंकरदार के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद रविवार को महिला के पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बरेली का जिला डीएसपी बताया और छेड़छाड़ के मुकदमे में नार्कोटिक्स की धारा बढ़ाकर प्रवीण को जेल भिजवाने के बदले महिला से 7,000 रुपए मांगे। इस दौरान यह भी कह गया कि बाबा जी की सरकार है, ज्यादा कोई धमकी देगा तो उसका एनकाउंटर होने में देर नहीं लगेगी। इस पर महिला को शक हुआ। महिला ने जमात रजाए मुस्तफा के वरिष्ठ सदस्य मोइन खान को इसकी जानकारी दी। मोइन खान ने सीओ थर्ड अनीता चौहान से बात कर फर्जी डीएसपी और मुकदमे में नामजद प्रवीण शंकरदार को तत्काल जेल भेजने की मांग करी है। बेकरी मालिक को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, दरोगा समेत 6 पर मुकदमा। हनी ट्रैप गैंग ने परसाखेड़ा में बेकरी चलाने वाले रामपुर निवासी शहजाद को अपने जाल में फंसा लिया। होटल में सानिया नाम की लड़की से मिलवाकर रेप के मामले में जेल भिजवाने की धमकी दी। फिर फोन करके किला चौकी से दरोगा सौरभ कुमार और सिपाही कोलिंद को बुला लिया। पुलिस ने हड़काया तो वह 2.5 लाख रुपए देने को भी तैयार हो गया। फिर रुपए देने के बहाने अपनी बेकरी पर बुलाया और डायल 112 को कॉल कर दी, जिससे हनी ट्रैप का मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। मामले में किला पुलिस ने दरोगा, सिपाही, लड़की समेत धौरा टांडा निवासी नावेद आजाद और लीचीबाग निवासी चांद अलवी के खिलाफ वसूली करने और साजिश रचने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। कमिश्नरी सभागार में वन मंत्री ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। कमिश्नरी सभागार में रविवार को वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने मंडल में विद्युत विभाग के इलेक्ट्रीशियन पद पर चयनित 18 अभ्यर्थियों और सिंचाई विभाग में जेई के पद पर 7 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके बाद मिशन रोजगार के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।